नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों? अभी तो ठीक ही हो, अभी ठीक हो, आगे ठीक शायद नहीं रहोगे। जिस तरह से सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है, जिस तरह से हमारे जीवन का भी निजीकरण हो जाएगा। अभी तो देखिए, हम सांस लेना हमारा बंद कर दिया है। अब तो ये रूल भी आ गया है कि आप अकेले भी रहो, जैसे यहाँ पे मैं अकेली हूं, तो अकेले भी रहो, घर में रहो, मॉल में रहो, दुकान में रहो, तो आप मास्क पहन के रहो। अब सांस भी हमारी मर्जी से लोगे, इसीलिए मैं बार बार लिख रही हूं कि अपना ध्यान रखिएगा आगे, और खास ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का, अपनों का, सारी चीजों का निजीकरण कर देंगे धीरे धीरे। आबादी भी कम हो जाएगी, तो जो लड़ेगा वो बचेगा, जो डरेगा वो मरेगा। क्योंकि अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि ये सरकार आपकी नहीं है, ये सरकार स्वार्थी है, लालची है, लोभी है और ढोंगी है। आपकी नहीं है, आपकी होती तो आपकी समस्या सुलझाती, सीधी सी बात है ना, आपके सारे काम करती, लेकिन नहीं कर रही। सरकार नहीं सुनेगी तो पब्लिक कहां जाएगी और किसको बोलेगी? हम जैसे लोगों को, हम है क्या? कुछ नहीं है। पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार भी बिक चुके हैं, कौन दिखाएगा आपकी समस्या? रोजगार ही तो चाहिए ना आपको, रोजगार। आपका वेतन, आपकी कमाई, आपके घर में आए, आपका परिवार पले बढ़े, यही जरूरी है ना। रोजगार चले जाना बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस बारे में कोई मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। तो यहां एक ही बात मैं आपको कहूंगी, जो लड़ेगा वो बचेगा, जो डरेगा वो मरेगा। लड़ना पड़ेगा आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने भारत के लिए लड़ना तो पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मेरा क्या आ जाता है, जाने दो ना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, हमको क्या लेना देना, दूसरों की नौकरी गई है ना, हमारी तो चल रही है, दूसरों को वेतन नहीं मिला, हमें तो मिल रहा है, हमारा घर तो चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये भी ज्यादा दिन नहीं सोचोगे आप, क्योंकि ज्यादा दिन तक आपके पास ये भी नहीं रहेगा। अभी अगर आपने कदम नहीं उठाए तो आने वाला भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बहुत खराब होने वाला है, बहुत बर्बाद होने वाला है। आवाज नहीं उठाओगे आप अपने भारत के लिए, हर चीज का निजीकरण हो जाएगा तो फायदा किसको पहुंचेगा? कितने लोगों की नौकरी चली गई है, कितने लोग बेरोजगार हो गए, ये क्या करेंगे फिर? और मोदी जी का तो क्या है भाई, मोदी जी के पास क्या था खोने के लिए? कुछ था ही नहीं, सब कुछ पाया है उन्होंने, प्यार आशीर्वाद सहयोग तो पाया ही जनता का, लेकिन कितना सब कुछ ऐशो आराम कभी किया था साहब ने? साहब कितने साल भीख मांगी आपने? हाथ पैर टूट गए थे क्या आपके? हाँ, काम नहीं कर सकते? मुझसे कभी कोई भिखारी यहां पैसे लेने आता है ना, तो मैं देखती हूं उसको और कहती हूं, हाथ सलामत है, पैर सलामत है, उंगली ठीक है, शरीर काम कर रहा है, तो कमा के खाओ, भीख मत मांगो, जाओ। तो क्या साहब को कभी किसी ने बोला नहीं होगा? और किसने देखा है साहब कितना पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं? कोई है उनका स्कूल का फ्रेंड आगे आया? कोई है तस्वीर फोटो स्कूल की? किसने देखा भाई? साहब ने बोल दिया तो बस लकीर हो गई, सच ही बोले होंगे, ऐसा है क्या? नहीं, भक्त तो बहुत लोगों के होते हैं, आशाराम के थे, राम रहीम के थे, बाद में क्या हुआ, ये सब भक्त कहां छुप गए, कहां ढुक गए? तो ऐसा ही हाल होगा ये भक्तों का भी, ये गोबर जितने हैं सब।
इनके बच्चे जब इनसे सवाल पूछेंगे ना, तब ये कहीं मुंह छुपा के बैठ जाएंगे। इनके बच्चे जब कभी इनकी कमेंट्स पढ़ेंगे ना, इनकी पत्नियां, इनकी माँ, और जब पूछेंगी कि ये क्या कर रहा है रे, तू क्या कर रहा है सोशल मीडिया पर, इतना गंदा, इतनी गंदगी भरी हुई है तेरे अंदर, तब ये कहीं मुंह छुपा के बैठ जाएंगे। इनके पास जवाब नहीं होगा। ये गोबर इतने गधे होते हैं ना, ये अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। रंग गए एक रंग में, देश नहीं देख पा रहे हैं। देश का नेता इनको देश से बड़ा लगता है। ऐसे लोगों का फिर क्या होगा, न घर के रहेंगे न घाट के। इसीलिए साथियों मैं कहती हूं, आप आवाज उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए। निजीकरण हर चीज का हो रहा है, तो आवाज उठाइए भाई। कल का भविष्य आपके बच्चे देख पाए अच्छे से, सांस ले पाए अच्छे से, आजादी से, इसीलिए आवाज उठाइए। आपका क्या, आपका जीवन तो अब जी लिया आपने ना, कुछ जी रहे हैं, कुछ का बस अब खत्म। कोरोना खत्म कर देगा, सरकार खत्म कर देगी, बेरोजगारी मार देगी, आबादी तो कम हो जाएगी, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे खुश रहे, सुखी रहे, इसीलिए अभी आज आवाज उठाइए, ताकि आप भी, ताकि गर्व से कह सको कि जब भारत बर्बाद हो रहा था ना, तो मैंने आवाज उठाई थी, मैं चुप नहीं रहा, मैं घर में नहीं बैठा, मैं लड़ा था। अभी आपको आवाज उठानी पड़ेगी सरकार के खिलाफ, क्योंकि कल को ये आपको बताएंगे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कहाँ जाना है, कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, इतने ही ग्राम आपके घर में भोजन बनेगा। कल को ये आपका रूल करने लगेंगे आप पर। 1500 करोड़ से भी ज्यादा धन वाले आमिर खान को ये 2% के भक्त बताएंगे कि किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं मिलना चाहिए। क्यों भक्त, 2% का कह के तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा दिया मैंने, औकात तो तुम्हारी उतनी भी नहीं है, आधे टके की भी औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम बताओगे किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना, तुम हो कौन बे? मुझे तो दया आती है इन पर कभी कभी, बेचारे कीड़े। तुम हो कौन, तुम थोड़ी बताओगे कौन कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। क्यों चचा तो बड़े मिलते हैं सबसे। अरे मुझे पता चल गया, भक्तों को बुरा क्यों लगता है, 6 महीने से चचा उड़ नहीं पाए, कहीं कहीं मिल नहीं पाए, ले आमिर खान कैसे मिलाया। आमिर खान कैसे चला गया, हमारे माननीय तो कहीं उड़ नहीं पाए, मिल नहीं पाए, जा नहीं पाए, अच्छे अच्छे सूट नहीं सिलवा पाए 10 लाख का, हाँ ये कैसे चला गया, इसलिए बुरा लग रहा है। अच्छा ओ हाँ ठीक, तुम देश के थोड़ी हो गद्दार हो, तुम्हें तो बुरा लगेगा ही ना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मिलके भी आए तो भी भक्तों को देश की सेवा लगती है। क्यों भक्तों? हाँ गोबरो गद्दारो कीड़ो मूर्खो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे। सोचो समझो, सॉरी समझो बोल दिया, तुम समझदार थोड़ी हो। ये भक्त भी ना, जो गोबर है ना, जो गोबर भक्त है, वो सच में वो भी गद्दार है देश के, ये भी कहीं ना कहीं भारत की बर्बादी में हिस्सा लेने वाले हैं ये सब, क्योंकि इनके सच्चाई नहीं दिखती है। ये नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे वाले हैं, अरे बाकी सब थोड़ी नून रोटी खाएंगे भाई,
सब अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, सबको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए। तुम्हारी तरह सबको गटर थोड़ी चाहिए, तुम्हारा तो गटर में भी काम चल जाता है, बाकी सबका नहीं चलता ना भाई। बाकी मनुष्य समझदार है, तुम्हारी तरह पैदल थोड़ी है। इसीलिए जितने समझदार लोग हैं, मैं कह रही हूं, अरे बेटा गोबर, समझदार बोला भाई, हट जा आगे, गिर जा गटर में। समझदार बोलती हो तो तू थोड़ी समझदार है, आगे आ जा रहा है। आपकी आवाज